हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं सेक्सोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। आजकल आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी में, हम जब खबर देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, तो काफ़ी सारी बार हमको सुना ही आता है कि जो एडोलेसेंट बच्चे रहते हैं, जवान बच्चे, फिर वो लड़की रहो या लड़का रहो, वो खुदकुशी कर लेते हैं अचानक एकदम। अभी अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले की बात है कि महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी, उनके लड़के ने जम करके कूद के आत्महत्या कर लिया। ये ऐसा होता कैसा है? आजकल क्या है कि सब जवान, एडोलेसेंट एज जो है, 15 साल से लेके से 24-25 साल तक, ये जो उम्र है, ये उम्र में हर बच्चा जो है उसको काफी सारा एक्सपोजर बाहर मिल रहा है। फेसबुक का एक्सपोजर है, फेसबुक में काफी सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, काफी सारे नए 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 दोस्त तैयार होते रहते हैं। यूट्यूब पे लगे उतना मटेरियल अवेलेबल है, गूगल पे आप जाओ सर्च करो, जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। फेसबुक के ऊपर है, वैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर भी है, इतना सारा नॉलेज है। उससे क्या हो गया कि इतनी सारी अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई है। अभी बहुत सारी अपेक्षा है, हर एक को जो दिखा वो चाहिए। और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है, धीरज, कोई भी चीज चाहिए उसके लिए धीरज रखना है, वो धीरज रखने की क्षमता या धीरज रखने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बच्चों में है नहीं, उनको तुरंत चाहिए। फिर होता क्या है कि जब उनको चाहिए और वो नहीं मिला तो उनको होता है फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, हताश और निराश हो जाते हैं, और उसमें खुदकुशी वो कर सकते हैं। वैसे अभी आजकल हुआ क्या है कि फेसबुक के जरिए इतने सारे लड़के लड़कियां दोस्त बन जाते हैं जिन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, सिर्फ फेसबुक के ऊपर फोटो देख के प्यार में पड़ते हैं। अभी अभी मेरे पास में एक लड़की आई, वो डॉक्टर है, वो एक समाज की है, फेसबुक के ऊपर एक दूसरे प्रदेश का, मध्य प्रदेश का एक लड़का, उसके साथ में उसकी दोस्ती हुई। वो अलग एक कास्ट का है, घर को पता नहीं है, एक दूसरे को वो मिलते जा रहे हैं। वो कभी ये लड़की के गांव में आता है, लड़की कभी कुछ ना कुछ बहाने उधर चले जाती है, घूमते फिरते हैं, घर को पता ही नहीं है कि कास्ट भी अलग है। वो लड़का एकदम ऐसा है कि उसको कोई काम धंधा नहीं है, शराब पीते रहता है, घूमते रहता है। ये लड़की बोलती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं उसको सुधारूंगी। ऐसा बोलते कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम रोग, और सचमुच प्रेम अंधा है। वो लड़के को कुछ भी आपने बताया कि भाई नहीं, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये काम धंधा करता नहीं है, उसको काफ़ी सारी नशा है, वो नशा करता है, शराब पीते रहता है, वो उसको उससे शादी करके तो सुखी नहीं होंगी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। और फिर वो बोलती है कि यदि आपने मुझे शादी नहीं करने दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाता है बच्चों को, और फ्रस्ट्रेशन आने के बाद में वो खुदकुशी कर लेते हैं। तुमको ये देखना है कि अभी ये जमाने में हम बंद तो नहीं कर सकते, क्या है कि हम बिहेवियर बंद करते हैं। समझो अभी वो लड़की का, उन्होंने फेसबुक बंद करवाया, मोबाइल निकाल लिया, तो व्हाट्सएप बंद कर लिया, तो बिहेवियर बंद हो गया। मगर उसके नीचे जो इमोशंस उसके साथ में जुड़े हुए अभी, वो आप कैसे निकालेंगे? तो सवाल यह है कि बिहेवियर बदल के कुछ नहीं होता, हम बिहेवियर बदलने के चक्कर में हैं। हम उसको घर में रखेंगे, वो लड़की को या लड़के को, उसको बाहर जाने देंगे नहीं, वो लड़की के साथ में संपर्क नहीं आएगा लड़के का, इस तरह से कुछ ना कुछ करेंगे, और फिर उसको रोक टोक करेंगे, कुछ ना कुछ ठोकेंगे, टोकेंगे, रोकेंगे, जो भी करना हो करेंगे। तो वो हम बिहेवियर ऑल्टर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिहेवियर ऑल्टर करके कुछ होता नहीं है। जहां बिलीफ अंदर बैठा हुआ है, जहां इमोशन अटैच है, सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में वो इतना पक्का जाके बैठा हुआ है प्यार, और उसको जब इमोशनली वो अटैच्ड है, क्या होता है कि अपोजिट सेक्स वाले ये उम्र में, 16-17 से लेके 25 तक, आप कोई भी अपोजिट सेक्स के साथ में कोई लड़का मिलता है या लड़की मिलती है, तो उनका उनका वो एक्चुअली प्यार रहता नहीं है, वो रहता है सेक्सुअल अट्रैक्शन। और फिर बाद में वो कुछ मानते ही नहीं, बोलते कि बस हमको तो बस शादी ही करना है, वो लड़के को मैं छोड़ूंगी भी नहीं या लड़की को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा बोलते रहते। तो एक वो है। दूसरा है कि अभी लड़कों में उनको सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए, अच्छे अच्छे मोबाइल चाहिए, अच्छी बड़ी
कीमती मोटरबाइक चाहिए, उनको पढ़ाई करने का नहीं है, पैसा खर्च करने के लिए चाहिए, उनको डिस्को में जाना है, उनको मतलब गर्लफ्रेंड्स है बॉयफ्रेंड्स उनके साथ में घूमना फिरना है, उसके लिए पैसा भी चाहिए, और वो यदि उनको रोक टोक कर दिया उसमें, उनको रोक दिया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो खुदकुशी कर लेते हैं। होता क्या है कि यदि फादर और मदर, माँ बाप, यदि वो दोनों भी बिजी है और उनको बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चा जाएगा कहाँ? उसको यदि कोई किसके साथ में बातचीत करनी है तो वो कहाँ कहाँ जाएगा? घर में तो कोई नहीं बातचीत करने के लिए, तो फिर वो दोस्तों के साथ में बातचीत करता है जो उसके साथ में कुछ ना कुछ सिंपथी बताता है, कुछ ना कुछ इमोशंस बताता है, सुन लेता है, तो उसको वो ज़्यादा प्यार का लगता है। कोई लड़की यदि उसको मिलती है जो सुन लेती है, या लड़की को कोई लड़का मिलता है कि जो उसको सुन लेता है, उसकी बातें मान लेता है, तो उनका प्यार हो जाता है। तो सवाल यह है कि फिर अभी जब उनको घर में कुछ मिलता नहीं है, तो वो बाहर सिक्योरिटी, बाहर इमोशनल अटैचमेंट ढूंढने के लिए फिर वो बाहर निकलते हैं और उनका बाहर प्यार हो जाता है, और उनको रोका तो फिर वो एकदम ऐसा वो आउटबस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, आउटबस्ट हो जाता है, और उसमें वो कुछ भी कदम उठा लेते हैं। अच्छा, बच्चे जो बाहर आए जिनके साथ में इसको इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक एक ही उम्र के लड़के यदि रहे और वो यदि शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कैनाबिस लेते हैं, गांजा लेते हैं, जो भी कुछ करते हैं, और ये लड़का यदि करता नहीं है, तो उसको टोका जाता है, अरे मर्द जैसा मर्द तू, और तू सिगरेट पीता नहीं है, अरे तू मर्द है कि क्या है, तू शराब पीता नहीं है, मतलब ऐसा इसको चिढ़ाया जाता है। और अपना पुरुषत्व बताने के लिए, मैं भी मर्द हूं बताने के लिए, फिर वो उनके साथ में नशा चालू कर देता है। फिर माँ बाप को सवाल आता है कि अभी इसका करना क्या, क्योंकि नशा के लिए फिर उसको और ज्यादा पैसा लगता है, फिर घर में चोरी करो, पैसा लाओ इधर से उधर से, और फिर वो एक विशेष साइकिल में वो बच्चा अटक जाता है। इसमें करना क्या है, माँ बाप को क्वालिटी टाइम देना जरूरी है बच्चों के साथ में, क्वालिटी टाइम, बच्चों को समझना, और उनका एक दोस्त बन के वो रहते हैं, उनके दुनिया में जाके सुनते हैं, वो क्या डील कर रहे वो सुनते हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इसमें हल हो सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमारे जैसे साइकेट्रिस्ट के पास में आप ला सकते हो, हमारे यहाँ काउंसिलिंग के सेशन होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। अभी हमारा आने वाला जो वर्कशॉप है उसमें आप जरूर उनको भेज सकते हैं, जहाँ जो वर्कशॉप में NLP टेक्निक्स के जरिए बिहेवियर कैसा ऑल्टर करना, बिलीफ सिस्टम में कैसा उसको हैमर करना वो हम सिखाए थे, या फिर उसको सम्मोहन के माध्यम से उसके अचेतन मन के ऊपर कैसा हैमरिंग करना, और सबकॉन्शियस माइंड से वो जो बात बैठी हुई है वो कैसे निकालना वो हम सिखाते हैं, और उसके जरिए यहाँ से मुक्ति पा सकते हैं और वो बच्चा अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग होंगे तो जरूर उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिएगा, आप जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो भी लोग ये समस्या से पीड़ित है वो एक अच्छा जीवन, खुशी का जीवन, समाधान का जीवन, आनंद का जीवन जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।